हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को फिर से नए ब्लॉग में। तो देख सकते हैं पसीना कितना है, भरा हुआ है पसीना। काम चल रहा है ना, देखिए थोड़ा मिट्टी सा फेंकाना हो रहा है। और ये जो है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, परेशान कर रखा है हमको बहुत ज़्यादा। दिखाते हैं, परेशान करके रखा है बंदा। प्लास्टिक ला ला के ढका हूँ, ब्लैक वाला लाया था एक बार। हाँ, वो जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला लाया था तो वो फट गया था। ये वाइट वाला लाया हूँ, ये मजबूत है, उससे तो ये दिया हूँ। ऊपर से मतलब ढका रहे, जो पानी नहीं जाना है अंदर में, और दीवार सबको भींगने नहीं देना है। क्या होता है, पूरा तो ढका है, ऊपर से थोड़ा सा भी पानी नहीं जाता, एक बूंद भी नहीं जाता है नीचे। इधर से पानी, साइड से पानी पूरा घुस जाता है अंदर में, पूरा भरा हुआ है। तीन बार साफ किया हूँ, तीन बार। अभी छोड़ दिए, छोड़ ही देंगे, मूड खराब करके रखा है। ये जो सेफ्टी टैंक बना है, सेफ्टी टैंक को मतलब ऊपर से ढक के रखें जो पानी ना अंदर जाए, ठीक है? थोड़ा सा भी ऊपर से पानी नहीं जाता है, ठीक है? और दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा सा भी अंदर पानी ना जाए। अंदर में देख सकते हैं कितना पानी है, दो ईंटा पानी लग गया है। ईंटा देख, ऊपर से प्लास्टिक खरीद के लाया हूँ, इसको ढक देता हूँ जो उसमें पानी ना जाए अंदर में। पूरा ढका हुआ है, जुगाड़ सब देख रहे हैं, थोड़ा सा भी पानी ऊपर से नहीं जाता है। ये शायद सबसे पूरा अंदर चला जाता है। जब तक ये सूखेगा नहीं पूरा, तब तक इसमें प्लास्टर नहीं होगा अंदर में। वही प्लास्टर के लिए यही काम हो रहा है अभी। यहाँ से मिट्टी काट काट करके यहाँ पे अंदर में रखते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ से पूरा ले करके पूरा अंदर में रखते हैं मिट्टी को। यहाँ से अंदर फेंकना, ये पूरा मिट्टी है, अपना ही है, उठाना पड़ेगा इसमें से। और इधर भी ये सारा जितना है, ये भी उठा करके इसमें डालना पड़ेगा, डालना है। घर का मतलब कुर्सी लेवल का जो होता है, सब काम कंप्लीट हो गया है। अभी मिट्टी ये करके पूरा कंप्लीट हो, मिट्टी अगर पूरा पड़ गया इसमें तो कंप्लीट हो जाएगा, और उसका काम बाकी है। पूरा तो पूरा उसी का काम अभी बाकी है। उसके अंदर में भी प्लास्टर होगा, प्लास्टर होकर के उसमें नेन सीमेंट चढ़ेगा, तो उसी का काम अभी बाकी है। बहुत परेशानी बढ़ जाता है बारिश के समय में, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। और घर बनाते समय ना बहुत, क्या बोलो, बहुत काम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है बंदा, और मैं तो हूँ ही। तो अभी जा रहा हूँ, तो जिस खेत में हम काम किए थे उसको दिखाए थे वो वाला वीडियो, तो उसी खेत में आज धान की रोपनी हो रही है। तो वहाँ पर जा रहे हैं, मम्मी सब रोप रही है, तो वहीं पर जा रहे हैं और दिखा रहे हैं, बने रहिए वीडियो में। बरसात में देखिए क्या हाल है, बरसात में ऐसा हाल रहता है, पूरा कीचड़, पैर का क्या हाल है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, इधर रोपनी हो चुका है, हो गया है, अपना खेत उधर है, उधर चल रहे हैं, उधर जाके दिखाते हैं। मम्मी सब आ गए हैं, बाघ हमारा रोपा लेता है। आप लोगों को दिखा देता हूँ खेत में कौन कौन है, तो थोड़ा सा बाकी है। तो ये रानी, और ये चाची है, और बीच में मम्मी है, और वो दोनों कोई कौन है नहीं पहचानता हूँ मैं, मम्मी जानती है। तो थोड़ा सा बच रहा है, बचा हुआ है थोड़ा सा रोपने के लिए। तो ये आज ये वाला खेत कंप्लीट हो जाएगा,